वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रशिया का वीजा कैसे ले सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रशिया का वीजा कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है और कितना टाइम इसमें लगता है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। स्टेप नंबर वन, नो योर डेट। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में एक डेट डिसाइड कर लेनी है। मान लो आपने 5 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर आपका प्लान है घूमने का, तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में फिगर आउट कर लेनी है कि हाँ मैं इतनी तारीख को रशिया घूमने जाने वाला हूँ। स्टेप नंबर टू, आपने 2-4 ऐसे एड्रेस जहाँ आपने नोट आउट कर लेने हैं। रशिया के booking.com पे जाओगे तो आपने बहुत सारे होटल और हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, उसमें से 2-4 एड्रेस आपने अपने दिमाग में बैठा लेने कि आपने इस होटल में रुकना है या इस हॉस्टल में रुकोगे, और उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारे आपने नोट आउट कर लेने हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री है इनविटेशन लेटर। किसी भी देश का ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो इनविटेशन लेटर होता है। उसके बिना आपका वीज़ा नहीं लग सकता, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब इनविटेशन लेटर आपको कैसे मिल सकता है? जहाँ तो आपका कोई जान पहचान वाला आपको इनवाइट करे, वो इनविटेशन लेटर आपको सेंड करे। अगर आपका रशिया में कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी कंपनी हैं जो कुछ फीस लेकर इनविटेशन लेटर सेल करती हैं, तो आप इजीली वहाँ से अपना इनविटेशन लेटर ले सकते हैं। तो इनविटेशन लेटर लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल फिल करनी है, और जो आपने डेट डिसाइड की थी वो आपने फिल करनी है। उसी हिसाब से आपका इनविटेशन लेटर रेडी होगा और उसी हिसाब से आपका वीज़ा लगेगा। जो इनविटेशन लेटर की फीस है वो $20 है। $20 स्टार्ट होकर जैसा आपको इनविटेशन लेटर चाहिए, अलग अलग इनविटेशन लेटर हैं। अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो वो $20 का मिल जाता है, अगर डबल चाहिए तो वो $40 का हो जाता है, अगर मल्टीपल एंट्री वो $90। ऐसे अलग अलग हैं, 6 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, अलग अलग इन्विटेशन है। जैसा आपको चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। बस आपने इजीली अपनी डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल और डेट वहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने $20 पे कर देने हैं और 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर आपको आपके मेल पर उनका मेल आ जाएगा और आपने उसका अपने इनविटेशन का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नेक्स्ट स्टेप है जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना। स्क्रीन पे जो वेबसाइट आ रही होगी आप इस पे या क्लिक करके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल, आपने पर्सनल डिटेल, आप किस पर्पस से रशिया जा रहे हैं, और उसमें जो रेफरेंस नंबर है इनविटेशन लेटर में वो भी आपको इसमें फिल करना होगा और फिल करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके बाद आपको चाहिए फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो और जिसमें आपका 90% फेस आपका उसमें शो होना चाहिए, दिखना चाहिए। स्टेप नंबर फोर है मेक ए अपॉइंटमेंट। आपने VFS ग्लोबल या रशियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने एक डेट डिसाइड कर लेने की, इस तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी जाने वाले हो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने सीधा VFS ग्लोबल चले जाना है, वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं, फीस जमा करा देनी है और उनकी फीस जमा करा देनी है। VFS ग्लोबल एक माध्यम है जो कि कनेक्ट है आपसे और रशियन एम्बेसी से। उसका क्या काम होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेता है, आपसे सारी फीस ले लेता है, वीज़ा फीस, और आपकी जो एप्लीकेशन है और आपके डॉक्यूमेंट है सारे एम्बेसी में जमा करवा देता है। जैसे ही एम्बेसी वाले वीज़ा लगा देते हैं पासपोर्ट पे, वो पासपोर्ट VFS ग्लोबल में ट्रांसफ़र करते हैं, VFS ग्लोबल से वाले आपको आपका पासपोर्ट दे देते हैं। ये उनका काम है और इसका वो चार्ज करते हैं, 1500 से 1800 रुपए के बीच उन वो फीस चार्ज करते हैं इस चीज़ की। जो आपकी वीज़ा फीस लगती है वो 12,000 से लेके 15,000 के बीच में आपका खर्चा आ ही जाता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए हो तो ज़्यादा लगती है, अगर आपने 6-7 दिन वेट कर सकते हो तो थोड़ी कम लगती है। जो अर्जेंट वाला है वो आपको 1 दिन में दे देते हैं 1 दिन बाद, और जो नॉर्मल जो होता है वीज़ा वो आपको 6-7 दिन वेट करना पड़ता है उसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।